But our education system is structured in such a way that one predetermined designated path acts as a sole legitimate method to impart knowledge and evaluate the caliber of the students. This is the core reason why most people are dissatisfied with the methodology of teaching and learning. According to the principles of psychology, we blame others when we are unable to accomplish our goals because of uncertain circumstances and because of a strong urge to preserve our ego and self-esteem. This blame game further adds barriers towards learning and communication, and we have to find a way to mitigate through these barriers so that the future generations can shape a promising future. To further speak on the subject, I would like to invite our key speaker, Dr. Manjusha Deshmukh. Ma'am, you have the stage. Thank you. Yes. So, thank you, Pratyush. I will start my presentation now. Is my presentation visible? Yes. Can yes. you people see my presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So it is a joint seminar by eTutor for me and Saraswati College of Engineering. eTutor for me, it is an online teaching learning platform. So the topic is don't blame your child, positive parenting approach for academic success. तो ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है मैं हिंदी में बताने वाली हूँ. सब तरह के लोग सभी जगह से पार्टिसिपेट हुए हैं इसके लिए. I have been teaching since 25 years. 25 साल से टीचिंग एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ. हजारों बच्चों को पढ़ाया है, हजारों बच्चों को मेंटोर किया है, गाइड किया है, काउंसिलिंग किया है व्हाइल वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड नाउ वर्किंग एज प्रिंसिपल. इस 25 साल में ये समझा है कि सारे बच्चे अलग है, हर एक का अपना पर्सनैलिटी है, हर एक की अपनी लिमिटेशंस है और हर एक की अपनी अलग साइकोलॉजी है और उसको जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम वो जान लेते हैं तो बच्चे, कोई भी बच्चा मिराकल कर सकता है. और यही एक्सपीरियंस लेके मैं आज जो भी मैंने 25 साल में कलेक्ट किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो आप सबको याद होगा, कई साल पहले हमने ये मूवी देखी थी. इस प्रेजेंटेशन को मैं प्रेजेंटेशन ना बना के थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर की तरह इसको एंजॉय करेंगे हम लोग. हमें टीचिंग लर्निंग नहीं करना है, बस समझना है कि पेरेंटिंग क्या होता है. तो क्या मूवी है ये, आप सब ने देखी है. आज भी कभी भी इसका छोटा सा सीन भी चलता है तो हम लोग रुक के देख ही लेते हैं. सो व्हाट इज दिस मूवी? तारे जमीन पर. किसी को दिस इज थ्री इडियट्स. थ्री इडियट्स. तो क्या सीखा हमने इस मूवी से, क्या जाना हमने इस मूवी से? Any answer from your side? बहुत कुछ सिखा के गई है हमें ये मूवी. सबसे पहले give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I want to grow up again. बच्चों को कितना भी चांस दो, उनको और चाहिए होता है. वो कितनी भी गलती करे, वो चाहते हैं कि बार बार हम उन्हें माफ करें और बार बार उन्हें चांस देते रहे, और देना भी चाहिए. दूसरा हमने इस मूवी से सीखा है कि नेवर ट्राई टू बी सक्सेसफुल, परस्यू फॉर एक्सेलेंस. काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो. बहुत ही अच्छी बात सिखाई है हमें इस मूवी ने. और हमने, और ये एक स्पीच अगर आप लोगों को याद होगा, तो हमने ये सीखा है कि बच्चे अगर विदाउट कॉन्सेप्ट्स,
अगर कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझे बिना सिर्फ रट लेते हैं तो आगे जाके ये एक डिजास्टर हो सकता है। और ये इस सबसे ऊपर और एक बात हमने इस मूवी से सीखी है, वो है एक टीचर। अगर एक टीचर अरोगेंट है, अगर एक टीचर नॉन सपोर्टिव होता है, अगर एक टीचर बच्चे को इंसल्ट करता है, स्टूडेंट को इंसल्ट करता है बार बार, तो वो एक वायरस की तरह है जो कि बच्चों के एम्बिशन को किल कर सकता है, बच्चों के मॉरल्स को किल कर सकता है। तो टीचर का रोल बहुत ही बड़ा होता है बच्चों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ के पीछे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में अगर हम लोग प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और अंडर ग्रेजुएट्स की बात करें, अगर ये सारों की बात करें तो लॉकडाउन में सारे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जाना है, एग्जाम भी घर से हो रही है, बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को, बच्चे भी खुश है और पेरेंट्स भी खुश है। लेकिन वही अगर हम 10th, 11th, 12th के बच्चों की बात करें तो दे आर सफरिंग, क्योंकि जो उनको मिलना चाहिए, जो ऑफलाइन कोचिंग में मिलता है, वो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग 30 के क्लास में, 50 के क्लास में नहीं चल सकता है, बच्चों को नहीं समझ में आता है। कभी बच्चे का नेटवर्क वीक हो जाता है, कभी टीचर का नेटवर्क वीक हो जाता है। और व्हाट आफ्टर कंप्लीट अनलॉक, पूरा अनलॉक होने के बाद क्या करेंगे ये बच्चे जो ऑनलाइन एग्जाम दे के पास हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे के अच्छे अच्छे मार्क्स इनको मिल रहे हैं, बाद में क्या होगा? क्या वो ये सब बच्चे कोप अप कर पाएंगे? जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनके मिसिंग है, क्या वो आगे जाके ये जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट और आगे वाला स्टडी कर पाएंगे? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत बर्डन हो गए बच्चे, बहुत ही ओवर बर्डन हो जाएगा उनके उनके। और अगर इन्होंने आज के डेट में अच्छे से पढ़ाई ना की, अगर हमने उनके एकेडमिक में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, और अगर आज इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम एंजॉय किया, तो आगे जाके ये भी डिजास्टर हो सकता है। एक स्टडी हुआ है और स्टडी में ये बाहर आया है, इट इज नॉट ड्यूरिंग लॉकडाउन और ड्यूरिंग अनलॉक, ये नॉर्मल स्टडी है जो कि एक रिसर्च हुआ है, और रिसर्च में ये पता चला है कि 11 से 17 साल के बीच वाले जो बच्चे होते हैं, यानी आप बोल सकते हैं 10 से 17 साल वाले जो बच्चे होते हैं, यानी 5th, 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड में, उस एज में जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, और बिहेवियरल डिसऑर्डर से भी सफर कर रहे हैं। अगर आप ये ग्राफ देखिए बीच वाला, तो मैक्सिमम बच्चों को एंजाइटी हो रही है, ये नॉर्मल कंडीशन का रिसर्च है, ये लॉकडाउन में और बढ़ा है, एंजाइटी के और शिकार हुए हैं बच्चे। प्लीज अदर पार्टिसिपेंट्स, यू म्यूट योर माइक, आपके अपने अपने माइक्स प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। अभी आप देखिए कि ये कितना डेंजरस ग्राफ है, कि ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि सारे ही बच्चे एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ वार्निंग साइंस, पेरेंट्स को इसकी वार्निंग साइंस समझ में आनी चाहिए कि मेरे बच्चे को एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है। अब ये कैसे हम जानेंगे, तो इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या बच्चे ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अपने आप को अलग रखने लगा है, क्या उसके ग्रेड्स में ड्रॉप हुआ है, क्या उसके स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हुए, क्या वो हमेशा से ज्यादा सो रहा है या वो हमेशा से कम सो रहा है, या वो रेगुलर जो खाता है उससे ज्यादा खा रहा है, या जो रेगुलर खाते हैं उससे कम खा रहा है। तो ये जो पैटर्न्स है, ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए एज अ पेरेंट। अब मैक्सिमम, एज आई सेड, मैक्सिमम किड्स आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी हो रही है बच्चों को, पीयर प्रेशर है, लो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बहुत सारे बच्चों में, पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर यानी नेबर के बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो मेरा क्या होगा, मुझे भी मिलना चाहिए, मामा मामी के अंकल के बच्चे ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया है तो मुझे भी जाना चाहिए,
या फिर मेरे बड़ा बड़ा सिबलिंग है, बड़ा भाई या बहन अगर डॉक्टर हुआ है, MBBS कर रहा है, तो मुझे भी वो प्रेशर है। तो ये एक पीयर प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, उसके साथ एग्जाम्स है, स्कूल वर्क है, और इन सारों की अब अगर ये आप देखेंगे जो कि मैंने आपको प्रीवियस ग्राफ दिखाया, तो स्टडी बोलता है कि 1 in 3 किड्स यानी 31.9% बच्चे एंजाइटी से सफर हो रहे हैं जिनका एज ग्रुप है 11 to 18। यानी अगर आपके सामने 3 बच्चे बैठे हैं तो एक सफर हो रहा है, भले ही आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ही इज सफरिंग और शी इज सफरिंग। तो इतना हाई रेट है ये और हमें इसका अवेयरनेस ही नहीं है। और उसके रिजल्ट क्या होता है, एंजाइटी की वजह से क्या होता है, तो उसके ग्रेड्स ड्रॉप हो जाते हैं धीरे धीरे। अब कुछ बच्चों को हायर ग्रेड्स मिलते हैं, कुछ बच्चों को कम मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, किसी को कम मार्क्स मिलते हैं। तो लेकिन इसके ऊपर रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो क्या फैक्टर्स है? तो सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है पेरेंटिंग स्टाइल। तो 4 तरह का पेरेंटिंग स्टाइल होता है, एक है अथॉरिटेटिव, फिर है अथॉरिटेरियन, फिर है परमिसिव और एक है अनइन्वॉल्व। तो सबसे पहला जो है वो सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। कैसा होता है ये पेरेंटिंग स्टाइल? तो वार्म एंड रिस्पॉन्सिव होते हैं पेरेंट्स, यानी बच्चों के साथ बहुत ही हंसी खुशी से बिहेव करते हैं। इनके रूल्स क्लियर होते हैं कि बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी घर के कुछ रूल्स होते हैं हमारे, तो इनके एम्बिग्विटी नहीं होती है किसी भी रूल में, एकदम क्लियरली बच्चे को बताया जाता है कि क्या सही है और ये क्या गलत है। ये बच्चों से एक्सपेक्टेशन भी हाई रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वार्म है, रिस्पॉन्सिव है, इसलिए बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं नहीं बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए बच्चों से। अगर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे तो बच्चे भी परफॉर्म करने में अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे। तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन भी हाई होता है, लेकिन वो सपोर्टिव भी होते हैं, यानी अगर बच्चे को कहीं भी जरूरत है तो पूरा पूरा सपोर्ट दिखाते हैं। और वैल्यू इंडिपेंडेंस, यानी बच्चों का इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इंडिपेंडेंस भी जहां देना चाहिए वहां देते हैं, जहां नहीं देना चाहिए नहीं देते हैं। दूसरा है अथॉरिटेरियन, ये अनरिस्पॉन्सिव पेरेंट्स होते हैं, इनके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होते हैं और ब्लाइंडली एक्सपेक्टेशन, वो चाहते कि हम जैसा बोले वैसे ही अपने बच्चे करे, जो मैं बोलू वही जाए, जहां मैं चाहूँ वही जाए, जो मैं चाहूँ वही करे, जो मैं चाहूँ वही पढ़े। तो ये भी पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा होता है परमिसिव। परमिसिव यानी पेरेंट्स वार्म तो है लेकिन इनके कोई रूल ही नहीं होते, बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि मेरे पेरेंट को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। बहुत ही लीनियंट होते हैं, बच्चों को जो करना है करने देते हैं। और लास्ट जो है वो है अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व यानी बच्चे के लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं, एकदम डिटैच जिसको बोलते हैं, कोई रूल नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई सपोर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाएं, रूल्स बनाएं, बच्चे से एक्सपेक्ट भी करें और बच्चों को सपोर्ट भी करें, बच्चों का इंडिपेंडेंस की भी वैल्यू करें। अभी आपको क्या लगता है कि फैमिलीज और टीचर्स का रोल क्या होता है? बच्चे को लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के लिए किसका रोल ज्यादा होता है? आपको क्या लगता है कि टीचर्स का रोल ज्यादा होता है या फैमिली का यानी पेरेंट्स का रोल ज्यादा होता है? So this is a question from my side. Parents. Any other? Both, madam. I agree. Both. Yes. Parents. बहुत ही सही है। ये जो ग्राफ है, फिर से एक स्टडी किया गया है जिसमें कि बोला है कि पेरेंट्स इमोशनल सपोर्ट, अगर किसी भी बच्चे को पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट मिले तो बच्चे के ग्रेड्स अपने आप इंप्रूव होते हैं।
अब टीचर का भी रोल है, ऐसा नहीं है कि टीचर का रोल नहीं है, टीचर का भी सपोर्ट की जरूरत है, टीचर के टीचिंग की जरूरत है, टीचर के इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत है, लेकिन पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट हर एक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो दोनों पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ कैन स्ट्रेंथन द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स और किड्स। अब एक यूजिंग राइट वर्ड मोटिवेट्स, अगर आपके बच्चों को आपको मोटिवेट करना है तो उसके लिए उसमें लाना पड़ेगा आपको ग्रोथ माइंडसेट। तो ये क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट में आपको आप जो स्टेटमेंट बोलते हो उसको थोड़ा सा चेंज करना है, बात वही है लेकिन उसको अलग तरीके से बोलना है। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू मेड मिस्टेक, आपने गलत कर दिया, ये बोलने की जगह आप बोलिए कि मिस्टेक से ही आप सीखोगे, आपने गलत किया कोई बात नहीं, यू विल लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आप ये मत बोलिए कि यू कांट मेक दिस बेटर, आप इससे अच्छा नहीं कर पाओगे, आप ये बोल सकते हो कि यू शुड ऑलवेज इंप्रूव, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव, आप हमेशा सुधार कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। डोंट से कि दिस इज टू हार्ड फॉर यू, ये आप नहीं कर सकते, आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, आप ये स्टेटमेंट नहीं यूज कीजिए, आप बोलिए कि दिस मे टेक सम मोर टाइम, आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगेगा करने के लिए। यू जस्ट कांट डू दैट, आप ये मत बोलिए कि आपसे ये नहीं होगा, बच्चों को कभी मत बोलिए, ये टीचर के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है, कभी मत बोलिए कि यू कांट डू दैट, आप उसको बोलिए कि आप आपके ब्रेन को तैयार करें ये सब सीखने के लिए। यू विल नेवर बी दैट स्मार्ट, बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं तुम डम हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न, तो डोंट से लाइक दिस, आपको बोलना है कि यू विल लर्न हाउ टू डू दिस, आप सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे कि कोई भी चीज कैसे करते हैं। अगर प्लान ए नहीं काम करता है तो देर इज ऑलवेज अ प्लान बी, You are not good at this, ये बोलने की बजाय आप बोलिए check what are you missing, आप क्या गलत कर रहे हो ये देखिए। तो ये जो right words है, right words makes a lot of impact, बच्चों के mindset में बहुत बड़ा impact डालते हैं ये growth mindset। दूसरा है एक psychology of success, psychology of success is effort versus ability, क्या है effort versus ability? तो एक रिसर्च किया गया है, मैं आपको वो रिसर्च एक स्टोरी के फॉर्म में बताती हूँ कि देर वॉज अ स्टूडेंट, देर वॉज अ ग्रुप ऑफ सम किड्स, कोई एक ग्रुप था किड्स का जिसमें कि सारे टाइप के बच्चे होंगे, तो इन बच्चों को एक थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया गया, ये सारे बच्चों ने वो सॉल्व किया, ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उनको बताया गया कि हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, सारे ही बच्चों को बोला गया कि हाँ आपने अच्छा किया। उसके बाद यही बच्चों को दो ग्रुप में इस तरह से डिवाइड किया गया, फिर इस एक ग्रुप को दूसरा प्रॉब्लम दिया गया, और जब ये बच्चों ने वो प्रॉब्लम, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम इनको दिया गया, और जब इन बच्चों ने वो सॉल्व किया तो उनको बोला गया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप में एबिलिटी है, आप स्मार्ट हो, आप होशियार हो, और इसीलिए आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हो। और दूसरे ग्रुप ने सेम प्रॉब्लम जब दूसरे ग्रुप ने सॉल्व किया तो दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत हार्डवर्क किया है लगता है, या शायद आपने हार्डवर्क किया है इसलिए आपने ये सॉल्व किया है। और फिर ये बार बार इन बच्चों के साथ रिपीट किया गया, हर बार उनको प्रॉब्लम दिया गया, हर बार एक ग्रुप को बोला गया कि आप बहुत होशियार हो, आप बहुत स्मार्ट हो, इसलिए आपने सॉल्व किया, और दूसरे ग्रुप को बार बार बोला गया कि आपने हार्डवर्क किया इसलिए आप सॉल्व कर पाए। ये बार बार रिपीट करने के बाद लास्ट में उनको एक डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया गया। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद ये देखा गया कि जिन बच्चों को एबिलिटी के ऊपर प्रेज किया गया, जिनको स्मार्ट बोला गया, जिनको इंटेलिजेंट बोला गया, वो फेल हो गए, वो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। उसी तरह
जब इन बच्चों को सेम डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया गया और जिनको एफर्ट के ऊपर अप्रेज किया गया, जिनको बोला गया कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, वो बच्चे ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि फोकसिंग ऑन एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन दैट किड्स शोड मेक्स देम बेटर एट ओवरकमिंग फ्यूचर ऑब्स्टेकल्स। यानी अगर आप बच्चों के एफर्ट्स को फोकस करोगे, उनके डिटर्मिनेशन को अप्रिशिएट करोगे, अगर उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करोगे, तो वो फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को भी प्रेजिंग पीपल फॉर देयर हार्डवर्क इंस्पायर्स देम टू टेक रिस्क, अगर आप हार्डवर्क को, किसी के भी हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हो, तो उसमें एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आती है और मिस्टेक से लर्न कर पाते हैं बच्चे, और फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में तो मूव ऑन कर सकते हैं अगर सेटबैक भी आता है तो। सो व्हाट वी लर्न इज कि एफर्ट वर्सेस एबिलिटी, तो आपको एफर्ट बच्चों के अप्रिशिएट करने चाहिए देन हिज एबिलिटी टू मोटिवेट हिम एंड टू टेक हिम टू मेक हिम एबल टू टेक रिस्क। अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे जब हमने ये गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था कि किसी पेरेंट ने पूछा है कि हमारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते हैं पढ़ते टाइम, या कम कंसंट्रेट कर पाते हैं, या बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करते हैं। इसका ओवरऑल मीनिंग है कि उनका फोकस नहीं है, यानी जब भी वो पढ़ने बैठते हैं, स्टडी करने बैठते हैं, तो फोकस नहीं है। तो कहाँ जाता है फोकस, क्या रीजन है फोकस के? तो बच्चे कई तरह से पढ़ते हैं, वेरियस एप्लीकेशंस है और कई तरह के वेज है पढ़ने के। तो क्या है, तो एक 30 से 50 स्टूडेंट का क्लास होता है, उसमें टीचर पढ़ाता है, वहां बच्चे पढ़ते हैं। फिर स्मॉल ग्रुप्स में भी बच्चे पढ़ते हैं जहां 4-5 ही स्टूडेंट है और टीचर है, ऐसे भी बच्चे पढ़ते हैं। फिर वन ऑन वन भी बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर है और एक ही स्टूडेंट है। फिर ये इस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें कि वीडियोस से भी बच्चे पढ़ते हैं। सो आई एम नॉट हियर टू प्रमोट बायजूस और एनी लर्निंग एप्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो बायजूस जैसे एप्लीकेशन से भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, फिर कोई यूट्यूब से भी पढ़ लेता है, यूट्यूब में भी कई तरह के एजुकेशनल वीडियोज अवेलेबल है, तो यहाँ से भी बच्चे पढ़ लेते हैं, और कहीं ऑनलाइन वन ऑन वन में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या सारे बच्चे सारे स्टाइल से पढ़ सकते हैं? आपको पता होना चाहिए, क्या एक बच्चा जो बायजूस से पढ़ सकता है वो क्या क्लासरूम में पढ़ सकता है, या जो बच्चा क्लासरूम में पढ़ सकता है क्या वो यूट्यूब से पढ़ सकता है? तो ऐसा नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सबका एक रूल नहीं होता है, हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, और आपको जानना है कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आपको उसको असिस्ट करना है। अगर आपके आपके बच्चों का लर्निंग स्टाइल पता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्गर ग्रास्प आएगा कि आपके बच्चे को आपको किस तरह से सपोर्ट करना है, एंड यू कैन बी अ बेटर सपोर्टर फॉर हिम। हम जनरली क्या करते हैं कि हमारे ने या हमारे फ्रेंड ने के लिए कोई एक बायजूस एप्लीकेशंस खरीद, उन्हें अच्छा रैंक लाया, तो हम भी अपने बच्चों के लिए खरीद लेते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है सपोर्ट करने का। आपको पता तो होना चाहिए आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या इस तरह के एप्लीकेशंस उसके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स, यानी बच्चे जो होते हैं 3 तरह से लर्न करते। एक होता है ऑडिटरी लर्नर, एक होता है विजुअल लर्नर, और एक होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। तो 30% अगर टोटल हम 100% ले, तो 30% बच्चे ये ऑडिटरी लर्नर होते हैं, 65% बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, और 5% बच्चे काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। लेकिन अगर क्लासरूम में देखा जाए, किसी भी क्लासरूम में देखा जाए, किसी भी स्कूल में देखा जाए, उनको एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, भले ही उनका स्टाइल, लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो।
और इसीलिए कुछ बच्चे वहां पढ़ पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और कुछ बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब ये लर्निंग स्टाइल है क्या? तो सबसे पहले क्या है ऑडिटरी लर्नर? ऑडिटरी लर्नर जो है ये गुड लिसनर होते हैं, यानी वर्बल वर्बल जो होते हैं, यानी ओरली किसी ने भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया तो ये लोग फटाक से उसको सुनते हैं। यानी अगर हम क्लासरूम का एग्जाम्पल दे तो स्टैंडअप, टीचर स्टैंडअप बोलती है तो सबसे पहले ये बच्चे खड़े होंगे, सिट डाउन भी बोलते हैं तो ये बच्चे सबसे पहले बैठेंगे, क्योंकि ये ऑडिटरी लर्नर है, ये इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से इंटरप्रिट करते हैं। और आप क्लास में देखोगे अगर टीचर हो तो सिट डाउन बोलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे खड़े ही रहते हैं और स्टैंड अप बोलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे बैठे ही रहते हैं, क्योंकि वो ऑडिटरी लर्नर्स नहीं होते और टीचर्स को गुस्सा आता है। तो ये जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं ये ओरल डायरेक्शंस बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं। अब दूसरा होता है विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स ऑब्जर्वेंट है, ये ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है क्योंकि एज वी से कि इमेजेस स्पीक 1000 वर्ड्स, जो हम देखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है, तो इसलिए इनका मेमोरी बहुत ही अच्छा होता है। और तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, बहुत ही कम होते हैं लेकिन ये बहुत ही फिजिकल होते हैं, बहुत हाइपर बच्चे जिनको हम बोलते हैं, ये बात भी करेंगे तो बहुत हाथ इधर उधर कर कर के बात करते हैं, बहुत गेस्चर्स बनाते हैं। और इनको अगर आप प्रोजेक्ट स्टाइल में पढ़ाओ या डेमोन्स्ट्रेशन दो तो इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। और कुछ बच्चे होते हैं कि कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन होके भी कोई एक जो स्टाइल है वो हमेशा डोमिनेंट होता है। और यही स्टाइल समझना है आपको कि अब देखेंगे कि ऑडिटरी लर्नर क्या होता है। कैसे आप जानोगे कि आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर है या नहीं है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है ऑडिटरी लर्नर के? तो इनको लिसनिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद आता है, इनको सिंगिंग पसंद आता है, ये बहुत बात करते हैं, ये कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे होते हैं, और ये जब पढ़ते हैं ये जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं। ये जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं ये जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं, ये खुद का बोला हुआ खुद ही सुनते हैं। और उनके स्टडी हैबिट्स क्या होते हैं, तो इनको आप वीडियोस दिखा लो, ये बायजूस से पढ़ सकते हैं, ये यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑडिटरी लर्नर है। ये पढ़ते टाइम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। और कभी कभी हम बच्चों को डांट देते कि पढ़ रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो, अगर वो ऑडिटरी लर्नर है और अगर वो पढ़ते टाइम म्यूजिक सुन रहा है तो उनको सुनने दीजिए, क्योंकि वो उसको हेल्प कर रहा है, बिकॉज ही इज अ ऑडिटरी लर्नर। ये सॉन्ग मेमोराइज करने के लिए ये सॉन्ग के वे में कोई भी चीज को डाल के मेमोराइज कर सकते हैं। ये हर एक चीज को अपने वर्ड्स में लिखते हैं, ये रट नहीं सकते, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और अपने वर्ड्स में उसको लिखते हैं। ये बुक से आंसर कभी भी एज इट इज नहीं रटेंगे। और इनको जो पढ़ने के लिए इनको क्वाइट स्पेस प्लेसेस चाहिए, एकदम शांत जगह इनको चाहिए, ये बहुत ज्यादा साउंड नॉइस पोल्यूशन में ये नहीं पढ़ पाएंगे। एज आई सेड इमेजेस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या होते हैं विजुअल लर्नर? विजुअल लर्नर जैसे कि मैंने बोला ये ऑब्जर्व करते हैं। विजुअल लर्नर लर्न थ्रू सीइंग, जो देखते हैं वही सीखते हैं। दे लाइक रिटन इंस्ट्रक्शन, इनको ओरल इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आता है सिट डाउन स्टैंड अप वाला, इनको रिटन राइटिंग में चाहिए। एंड प्रीफर टू टेक डिटेल नोट्स व्हेन दे लिसन टू लेक्चर, जब लेक्चर्स लेते हैं ये अपने नोट्स बनाते हैं। दे ऑफन लाइक टू हैव क्वाइट प्लेसेस, इनको भी शांत जगह चाहिए, इनको कभी भी विंडो के पास बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि फिर ये बाहर ज्यादा देखेंगे और पढ़ेंगे कम। दे लाइक टू यूज कलरफुल हाइलाइटर्स, अगर आपका बच्चा विजुअल लर्नर है तो उसको हाइलाइटर्स ला के दीजिए, हर चीज को हाईलाइट कीजिए अलग अलग कलर में, इसको पसंद आएगा। विजुअल लर्नर्स रिमेंबर विजुअल डिटेल्स and ease and prefer to see what they are learning. They learn best with visual memorial such as, इनको क्या पसंद है तो इनको pictures, charts, videos,
हैंडआउट्स, ये सब इनको बहुत पसंद आता है। ये वो बच्चे हैं जो क्लास में सबसे पहले बेंच पे बैठना पसंद करते हैं, ये है विजुअल लर्नर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर है। और थर्ड होता है काइनेस्थेटिक लर्नर, जैसे कि मैंने बोला बहुत हाइपर बच्चे, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज। काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न थ्रू मूविंग एंड डूइंग, ये हर बार घूमते रहेंगे, ये सोफा पे भी बैठेंगे तो उल्टा बैठते हैं, नीचे मुंडी ऊपर पैर, ये काइनेस्थेटिक लर्नर है। इनको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स चाहिए स्टडी में, अगर आप इनको बोलो 2 घंटे कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ो तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, इनको हर आधे घंटे के बाद 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक की जरूरत है। तो ये बात आपको समझनी है कि अगर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है तो उसकी नीड है वो कि वो हर आधे घंटे के बाद एक ब्रेक ले। और हम लोग डांटते रहते हैं बच्चों को कि क्यों बार बार आप उठ रहे हो पढ़ते पढ़ते। काइनेस्थेटिक लर्नर्स लाइक टू मूव अराउंड व्हेन टॉकिंग एंड लिसनिंग। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि काइनेस्थेटिक, ये जैसे कि मैंने बोला कि बात करते टाइम भी हैंड जेस्चर्स बहुत करते हैं, ये बात करते टाइम भी ये एक जगह पे बैठ के बात नहीं करेंगे, ये घूमते घूमते चलते चलते बात करेंगे। दे लाइक टू स्टैंड रादर देन सिट, ये बैठने की जगह ये खड़े रहना ज्यादा पसंद करते हैं। When they learning something new, जब ये नया कुछ सुन, कभी ऐसा होता है कि टीवी देखते देखते बच्चा खड़ा होके देखता है, क्लास में जाता है टीवी के, हम लोग उसको डांटते हैं, वो खड़ा हो जाता है बिकॉज ही इज अ काइनेस्थेटिक लर्नर। अगर वो वहां से कुछ सीखना चाहता है तो वो बैठ के नहीं सीख सकता। दे आर एक्सप्लोरर एट हार्ट एंड लाइक टू लर्न थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, इनको एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर इनको पढ़ाना आपको एसिड क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, तो ये आपको उसको दिखाना पड़ेगा। जब तक आप इसको इस तरह के एक्शन एक्सपेरिमेंट्स नहीं दिखाओगे उसको नहीं समझ में आएगा। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स। अगर मास ज्यादा है सेम लगा तो एक्सिलरेशन कम होगा। ये आपको उनको इस तरह के एनिमेशन से दिखाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से दिखाना पड़ेगा, तभी ये समझ पाएंगे। ये चार्ट से नहीं समझेंगे, इनको हर चीज में डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो हमने पढ़ा कि 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं, हर एक का एक अपना स्टाइल होता है। और हम लोग थोप देते हैं बच्चे के ऊपर कि नेबर ने कोई लर्निंग ऐप खरीदा है तो मेरा बच्चा भी वही करे। अगर आपका बच्चा म्यूजिक सुन के पढ़ता है तो हम डांट देते हैं, होता है वो ऑडिटरी लर्नर, वो अच्छे से पढ़ सकता है। आपका बच्चा विजुअल लर्नर है, आप उसको बोलते हैं कि जोर जोर से बोल के पढ़, लेकिन वो विजुअल लर्नर है, जोर जोर से पढ़ के जो रीड करके जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ऑडिटरी लर्नर है। विजुअल लर्नर कभी भी जोर से पढ़ के नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन हम लोग फोर्स करते हैं बच्चों को, और इसलिए उसका पर्सनैलिटी और उसका एक्टिविटी में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। हम उसको किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं और वहीं पे हमारा गलती होता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट लर्निंग स्टाइल। अभी कुछ पेरेंट्स से हमने ये भी सुना है, तो ये सारे रीजन भी हो सकते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन, और जो रीजन्स आपने बोला है कि लो कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस नहीं है। तो फोकस क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो काइनेस्थेटिक लर्नर है, और जब तक उसको आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाओगे, एनिमेशन नहीं दिखाओगे, उसको वो नहीं समझ में आएगा और इसलिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद उसको सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। उसके बाद लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑनलाइन लर्निंग, ये भी किसी पेरेंट से हमने रिसीव किया है। आई थिंक द एज ऑफ स्टूडेंट इज अराउंड 17 के बीच में है, 11-12 के बच्चे। तो इंटरेस्ट स्टडीज का गया है लॉकडाउन की तरह, बहुत ही जायज है, क्योंकि ये बच्चों को टेंशन है फ्यूचर का कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। अभी ऑनलाइन स्टडीज हो रहा है और ऑनलाइन में 50 का अगर 50 बच्चे अगर क्लास में है, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और एक टीचर अगर पढ़ा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को समझ में आए। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, कभी टीचर का नेटवर्क डाउन होता है, कभी स्टूडेंट का नेटवर्क डाउन होता है, और इतने सारे बच्चे में बच्चा क्वेश्चन नहीं करता है कि रिपीट करो, कितनी बार टीचर रिपीट करेगा।
तो लिमिटेशंस है ऑनलाइन लर्निंग के, इतने सारे बच्चों में ऑनलाइन लर्निंग नहीं चलता है, ऑनलाइन लर्निंग ये वन ऑन वन में ही चलेगा, क्राउड में नहीं चलता है। लेकिन इसका और भी है कि आपने कभी आपके बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं क्या? अगर आपका बच्चा सच में आपको लगता है कि इंटरेस्ट इसने खो दिया है, 10th 11th 12th में है अगर आपका बच्चा और आपको लगता है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप ये थोड़ा क्वेश्चंस उसको पूछ के देखो कि क्या पूरे क्लास में जब बैठता है तो वो हेजिटेट करता है क्या? कुछ डाउट है उसको तो उसको पूछने में डज ही हेजिटेट, या फिर पूछता है टीचर को कि मुझे ये डाउट है उसका आंसर दो? तो ये आप एक बार उसे पूछिए। आप उसको पूछिए कि उसको निग्लेक्टेड फील होता है क्या क्लास में जब बैठता है 30-50 के, तो उसको लगता है कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये जनरली ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में ये फीलिंग शायद ही नहीं आएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस एज के बच्चों में जो कि 10th 11th 12th के रेंज में है, ही एंड शी थिंक्स दैट ही इज बीन मार्क्ड एंड रैंक्ड एंड देयरफॉर बीइंग कंपेयर्ड टू अदर्स। क्योंकि हम लोग एक ब्रांडेड क्लास में इसको डाल देते हैं और वो क्लासेस हर महीने में टेस्ट लेता है, हर टेस्ट के बाद एक रैंक लिस्ट लगाता है और रैंक लिस्ट में अपने आप को नीचे देख के इनका मॉरल डाउन होता है और इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और इसी वजह से भी ये स्टडीज में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है अगर बच्चा 11th या 12th का प्रिपरेशन कर रहा है तो। दूसरा है कि आप ये भी पूछें बच्चों को कि क्या कभी टीचर आपका इंसल्ट करती है या क्या सारे क्लास के बीच में आपको कुछ बुरा बोलती है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप पूछेंगे और अगर आप थोड़ा सा फ्रेंडली वे में बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गया तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर और एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि बच्चा होमवर्क नहीं करता है, राइटिंग वर्क कंप्लीट नहीं करता है। तो इसके कई रीजन होते हैं। सबसे पहले एक देखिए कि उसको क्या सच में लिखने में प्रॉब्लम होता है क्या? राइटिंग वर्क, होमवर्क यानी राइटिंग वर्क, क्या स्कूल जाता था तब भी स्कूल वर्क कंप्लीट करता था? अगर वो राइटिंग वर्क नहीं कंप्लीट कर रहा है, होमवर्क नहीं कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्कूल वर्क भी कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो हो सकता है कि बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम हो और इसलिए आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। और एक्सपर्ट्स अवेलेबल है जो कि साइंटिफिक टेस्ट लेके देखते हैं कि बच्चे को सच में राइटिंग में प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर राइटिंग में प्रॉब्लम है तो स्कूल से इन बच्चों को बेनिफिट मिलता है इन होमवर्क, कंप्लीटिंग द होमवर्क। हालांकि इनको बोर्ड एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ना कि ओनली स्कूल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है एग्जाम लिखने के लिए अगर बच्चे को राइटिंग डिसेबिलिटी है तो। तो ये आप पहले कोशिश करें जानने की कि रीजन क्या है, क्या सिर्फ होमवर्क नहीं करता है या क्लास वर्क भी नहीं करता है। अगर स्कूल में भी राइटिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसे राइटिंग में प्रॉब्लम है और आपको एक्सपर्ट का एडवाइस लेना चाहिए। एज आई सेड, हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम है, किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो चिल्ड्रन डेवलप डिफरेंटली, हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे का पर्सनैलिटी अलग है, हर एक बच्चे का स्ट्रेंथ अलग है और इसलिए हर एक को जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी अलग अलग टाइप का चाहिए। एक ही टाइप का सपोर्ट आप हर बच्चे को नहीं दे सकते। इफ योर चाइल्ड इज लिटिल अहेड और लिटिल बिहाइंड एट सर्टन एज, इट इज नॉर्मल। अभी अगर आपका बच्चा 7th 8th 9th में है, अब अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा पीछे है, थोड़ा सा आगे है, थोड़ा पीछे है, तो इट इज नॉर्मल। आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर आप प्रॉपर नर्चरिंग देंगे, उनको प्रॉपर सपोर्ट देंगे, तो आगे जाके वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज थोड़ा पीछे है तो हमेशा के लिए ये बच्चा पीछे ही रहेगा। फिर से ये मूवी हमने कुछ साल पहले देखी थी, तो एक्चुअली आई वॉन्ट टू से आई एम नॉट अ फैन ऑफ आमिर खान और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन बस मूवीज मुझे पसंद आई है। तो ये भी एक मूवी हमने कई साल पहले देखी थी, तो इस मूवी से भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, जैसे कि रोल ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है,
टीचर का रोल कैसा होता है, पावर ऑफ क्रिएटिविटी क्या है, कोचिंग लीडरशिप, पेरेंट्स का रोल क्या है, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इफेक्ट ऑफ कंपैरिजन, बच्चे पे अगर आप कंपेयर करो तो कैसे इफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात हमने इस मूवी से जो सीखी वो है एक्सेप्टेंस, पेशेंस एंड केयर। अगर बच्चे का कोई लिमिटेशन है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं लिख पा रहा है, नहीं रीड कर पा रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, पेशेंस रखिए और उसको सपोर्ट कीजिए। वी एज अ पेरेंट ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट टू आवर किड्स, आई एम नॉट द एक्सेप्शन। सब पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहते हैं, तो हम लोग स्कूल किस तरह से चूज करते हैं अपने बच्चों के लिए? तो सबसे पहले देखते हैं कि सब बड़ा शाइनी बिल्डिंग होना चाहिए, ग्लास एलिवेशन होना चाहिए, दिखने में एकदम चकाचक हो। फिर नाम भी हमें फैंसी चाहिए होता है उसका, थोड़ा इंग्लिश में नाम है तो हमें पसंद आता है, देन संजीवनी स्कूल और समथिंग लाइक दैट। वी लाइक फैंसी नेम्स लाइक एम्पेरियल, विबग्योर, समथिंग लाइक दैट। फिर हमें ये भी देखते हैं कि मेरा फ्रेंड का बच्चा कहाँ जा रहा है, हम अपने बच्चे को भी वहीं पे एडमिशन दिला देते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लास क्या है, वहां पे पढ़ने वाले बच्चे किस बैकग्राउंड से है, और ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या बच्चे वहां के इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये सब देख के ही हम लोग एक डिसीजन पे आते हैं, और फिर ये देख के हम बच्चे को एडमिशन दिला देते हैं। कभी कभी ब्रांड नेम भी देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कुछ ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड का नाम है तो हम बाकी कुछ नहीं देखेंगे, बस ब्लाइंडली वहां पे एडमिशन करा देंगे बच्चे का। ये सब देख के बच्चों का स्कूल में एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं है। फिर बच्चा जहाँ है वही रहता है, आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देता है, कोई बच्चे में एम्बिशन नहीं दिखाई देता है, फिर आप ट्यूशन क्लासेस ढूंढने लगते हो। आपको लगता है यहाँ तो सब कुछ देख के मैंने एडमिशन दिला दिया, लेकिन बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, अब मैं ट्यूशन क्लासेस ढूंढूंगा। ट्यूशन क्लासेस देखते टाइम फिर आप वही गलती करते हो, फिर से आप ब्रांड नेम देखते हो, फिर से आप देखते हो कि आपका फ्रेंड का बच्चा कहाँ पढ़ा वहीं पे मैं डाल दूंगा, या नेबर का बच्चा कहाँ पढ़ा वहीं पे मैं डाल दूंगा। फिर एक ये भी क्राइटेरिया होता है कि नियर बाय, जो पास में है वहीं पे चला जाओ। जनरली ये मिडिल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं 5th, 6th, 7th, 8th में, उसमें देखा गया है कि हाँ चलो भाई पास में आंटी है, आंटी के पास पढ़ लो। तो जरूरी नहीं है कि आंटी हमेशा बुराई पढ़ाती है, अच्छी भी पढ़ा सकती है, लेकिन वहां पे आपको क्वालिटी देखना जरूरी है। नियर बाय कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ तो उस टीचर का समझ में नहीं आया आपके बच्चों को, लेकिन आप यही के टीचर के पास बच्चे को ट्यूशन भेज देते हो, फिर क्या मतलब है, एक ही बात हो गई, टीचर ऑफ द सेम स्कूल। फिर ये एक नया ट्रेंड है कि IITians है तो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि सारे IITian अच्छा ही पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचिंग इज अ स्किल, उसका IIT से पढ़ने में कोई लिंक नहीं होता है। लेकिन ये आजकल का हमारा फैशन हो गया है कि जहां पे भी IITian पढ़ाते हैं वहां पे हम अपने बच्चे को भेज देते हैं। तो ये सब हमारे क्राइटेरियाज होते हैं बच्चे के लिए, स्कूल ढूंढते टाइम भी और ट्यूशन क्लास ढूंढते टाइम भी। और कभी कभी हम देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा चीपर है, इकोनॉमिकल है, तो वहां पे भी भेज देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, योर सर्च शुड बी फॉर गुड टीचर हु कैन सपोर्ट, मोटिवेट, एनकरेज योर चाइल्ड। आपको तो वो टीचर ढूंढना है जो आपके बच्चे को अच्छा पढ़ाए, जो आपको को इमोशनल सपोर्ट दे, जो आपके बच्चे को मोटिवेट करे और आपके बच्चे को एनकरेज। लेकिन हम ये सब देखते ही नहीं है और कुछ और ही क्राइटेरिया से स्कूल और ट्यूशन क्लास ढूंढते हैं। यूजुअली किड्स कंप्लेन टू द फैक्ट दैट दे डोंट अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक टीचर्स टीचिंग मेथड विच कांट बी आर्ग्यूड एज ऑल स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ परसीविंग इंफॉर्मेशन। जब उनको ग्रेड्स कम आते हैं तब टीचर को ब्लेम कर देते हैं कि यह टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस टीचर का। और उसमें सही भी है, हम बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हर एक का लर्निंग स्टाइल ही अलग है। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं या फिर ऐसे ट्यूशन क्लास में जाते हैं जहां 50 बच्चे, 30 बच्चे, 25 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ा रहे, वहां तो लर्निंग स्टाइल एक ही होगा, टीचिंग स्टाइल एक ही होगा, लेकिन क्लास में बैठे हुए बच्चों का लर्निंग स्टाइल तो अलग अलग है। और वहीं पे बच्चे प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देते हैं।
और कई साल के एक्सपीरियंस के बाद जब मैंने ये ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं होते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छी टीचर मिले, लेकिन कभी डिस्टेंस का प्रॉब्लम, बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, कभी लोकेशन होता है, हम अच्छा टीचर बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है, हम बच्चे को नहीं भेज सकते, ट्रैवलिंग टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और हम बच्चों को वो नहीं दे पाते हैं जो एक्चुअली हमें बच्चे को देना चाहिए। और ये सब जब हम लोग ने ऑब्जर्व किया तो हमारे टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग एक कनेक्ट करें, एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट और टीचर एक साथ वन ऑन वन आए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस का कंस्ट्रेंट नहीं है, यहाँ कोई ट्रैवलिंग टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, यहाँ कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ पे बैंगलोर बच्चा हुआ बैठा हुआ बच्चा भी मुंबई के टीचर से पढ़ सकता है और कहीं भी बैठा हुआ बच्चा कहीं के भी टीचर से पढ़ सकता है, क्योंकि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। ये ट्यूशन क्लास नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कई सारे टीचर्स अवेलेबल है। I will show you this. तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेनिफिशियल है टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो रिमोट प्लेस में हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पे कोई रिसोर्स नहीं है उनके लिए। और कहीं दूर बच्चे हैं जो अच्छा टीचर ढूंढना चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहे हैं उनके नियर बाय, क्योंकि वो जाने आने का कंस्ट्रेंट है। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें कि बच्चे वन ऑन वन ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब इसमें वन ऑन वन का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि ऑनलाइन में ग्रुप में नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन हैज सम लिमिटेशन। इसमें वन ऑन वन ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 स्टूडेंट होने चाहिए, तभी वो टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होती है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में कई सारे स्टूडेंट और टीचर्स कनेक्ट किए गए हैं, तो आप जिस जिस टीचर को ढूंढना चाहे सारे टाइप के टीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब इट इज नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, और ये वन ऑन वन है इसलिए आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल आप अंडरस्टैंड करके टीचर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका टीचिंग स्टाइल ये होना चाहिए। तो आप देखें अगर यहाँ पे तो फ्रेंच ट्यूटर ट्यूटर भी है जो चेस पढ़ाता है, ये बायोलॉजी टीचर है, मैथ्स टीचर्स है, केमिस्ट्री टीचर है, इकोनॉमिक्स टीचर्स, लैंग्वेजेस के टीचर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, फ्रेंच है, बहुत सारे मैथ्स के है, फिर से ये चेस है, डांस टीचर भी अवेलेबल है। तो कई सारे टीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे। हर एक के पेज पे जाओगे आप तो आपको एक, ये आप देखिए जर्मन टीचर भी है, तो अगर आप देखोगे तो आप हर एक का एक पेज बनाया हुआ है, आप उसको क्लिक करोगे तो आपको उस टीचर का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप कंपेयर कीजिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये का एक्सपीरियंस कितना है, उसका क्वालिफिकेशन कितना है, उसका टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना है, वो कौन से लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि पूरा इंग्लिश में ना पढ़ना चाहे बच्चा, थोड़ा हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज है उसका हेल्प उसको जरूरत है, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर उनके डेमो वीडियोस भी यहाँ पे दी गए हैं कि इनका टीचिंग स्टाइल कैसा है, तो आप वेरीफाई कीजिए कि इसका टीचिंग स्टाइल आपके बच्चे के लर्निंग स्टाइल से मैच होता है या नहीं होता है, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत सारे टीचर्स और ये फॉरेन लैंग्वेजेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, एबेकस है, फिर चेस है, फोनिक्स है, तो बहुत सारे ट्यूटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि बेस्ट टीचर को, एक जो स्टूडेंट जिसको कि बेस्ट टीचर की जरूरत है उनको कनेक्ट किया जाए, और इसी ऑब्जेक्टिव से इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को एक बार
देख लीजिए, आई होप कि यू विल सर्टनली लाइक इट। तो ये है ई ट्यूटर फॉर मी, जिसका की वेबसाइट है www.etutorme.com। इसमें आज के डेट में बहुत सारे कोडिंग के कोर्सेस चल रहे हैं, जहाँ के हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वर्धा से पढ़ रहे हैं, बैंगलोर से पढ़ रहे हैं, सिर्फ बैंगलोर से नहीं तो कुवैत से भी, देर इज नो लिमिट। तो कुवैत के कुछ बच्चे जो, ये एक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, and it was all about don't blame your child. So I hope you liked it and enjoyed the presentation. Thank you very much. Thank you, madam. So let's close. Pratyush. Yes, we can certainly close the meeting. Thank you all personally and on behalf of eTutor for me for taking the time out of your from your precious schedule, especially on a Saturday evening. And in addition to that, if you have any questions, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो सवाल भी आप हमें अभी पूछ सकते हैं, हमें खुशी होगी आपके हर 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 किसी के सवाल के जवाब देने। Yes, if you have any questions, I will certainly like to answer. Is any kind of teacher available at eTutor for me? Which kind of tutor you expect? Like music teacher, instrument teacher. Yes. What is an appropriate age for a child to learn coding? I think 7 for basic coding, 7 I can say for application, app making जो कोडिंग का होता है, एप्लीकेशन वाला जो होता है वो तो 7 इयर्स के बाद भी पढ़ सकता है। एंड फॉर पाइथन और लाइक एनी अदर कोडिंग, C++, आई थिंक 12 और 13 इज अ गुड एज टू स्टार्ट विथ। ओके फाइन, थैंक यू। So if you want to learn foreign languages, so we have a German tutor with us, we have French tutors, we have a Japanese tutor. So just go through the website and check for whatever you want to learn. As I said, we have dance tutors, we have chess tutors, we have abacus tutors as well. So I think there are Yes. For 10 standard students, which foreign language they should take, for which would be good for their higher studies? See, if students, it depends. For school going kids, generally schools offers French, so they should go for French. If students of engineering, कुछ engineering के बच्चे हैं Germany जाना चाहते तो they should take German. अगर कोई animation वाले students हैं जो Japanese animation industry में जाना चाहते तो they should take Japanese. तो हर एक का अलग I will recommend. और in general अगर normal बोले तो 10th के student they should go with French, क्योंकि लोगों को French सीखना पसंद है। हेलो मैडम। हाँ सर। एक्चुअली मैम, मेरा बेटा अभी 11th में है, अभी उसका अगर मुझे ये चेक करना है कि वो बोलता है कि सभी ऑनलाइन ही है, असाइनमेंट वगैरह सब, हाउ कैन आई चेक हिज स्टडी, या फिर कैसा करूं? सर आई एम नॉट गेटिंग, फिर से। दैट मींस सपोज स्टडी इज ऑनलाइन मैम, सो हाउ कैन आई क्रॉस वेरीफाई द इंफॉर्मेशन गिवन बाय माय वार्ड?
कि वार्ड अगर मेरा बच्चा बोलता है कि नहीं मैंने कर लिया ये ऑनलाइन ही सबमिट करना था, तो पेरेंट का कैसा रोल रहेगा इसमें? ये बहुत ही डिफिकल्ट है टू फाइंड आउट इन ऑनलाइन सिस्टम. इट इज रियली आई वुड से कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा. अगर आपको उसका नॉलेज है और आप अगर उसको बार बार बोलोगे कि मुझे दिखाओ, मुझे चेक करने दो, तो फिर ये होता है कि बच्चों को आप डाउट कर रहे हो. तो आपको इंस्टेड ऑफ वॉचिंग हिम, यानी उसको क्या बोलते हैं वॉचमैनशिप की करने की जगह आप उसके साथ बात करें, उसके प्रॉब्लम्स पूछे और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने की कोशिश करें. ओके ओके. और वन मोर मैडम, कि जैसा अब जैसा बाकी स्टूडेंट के साथ ही उसने क्लास लगाया है, तो वहां पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि पूरे पूरे सब्जेक्ट उनका ही लेना है, उनके ही क्लासेस. हाँ, तो यही एक प्रॉब्लम. यस, वेरी गुड क्वेश्चन. कि अगर आप किसी भी एक क्लास में जाते हो, जैसे अभी 10th के बाद जनरली पेरेंट्स आते हैं कि एक क्लास में भेज देते हैं बच्चे को, जहाँ के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ाया जाता है, तो ऐसा होता है कि उस क्लास में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा टीचर होता है, मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए आउटस्टैंडिंग टीचर है, लेकिन हो सकता है कि बायो के लिए टीचर इतना अच्छा नहीं है. लेकिन वहां पे आपको फिर वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपने तो बच्चे को भेज दिया, वहां पे आप पिक नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप वही ई ट्यूटर फॉर मी में जाओगे, तो आप हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग पिक कर सकते हो. आप बायो के लिए एक्सपर्ट बायो का, हमारे पास कई सारे बायो के टीचर्स है, उसमें से एक पिक कीजिए. केमिस्ट्री के लिए कई सारे केमिस्ट्री है, मैथ्स वाले कई सारे मैथ्स है, हर एक को वेरीफाई कीजिए, उसमें से जो बेस्ट आपको पसंद आता है उसी को पिक कीजिए. तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप पर्टिकुलर, यानी आपके चॉइस का टीचर आप चूज कर सकते हो. ओके ओके, थैंक यू मैडम. अभी एक्चुअली ट्यूशन तो लगा दिया मैम, लेकिन अभी जैसा मैथ सब्जेक्ट में ऐसा मुझे लग रहा कि वो खुद ही डोमिनेट हो रहा है क्लास में. ऐसा होता है कि आपने क्लासेस लगा दी है और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, ऑनलाइन स्टडी है, ग्रुप में नहीं पढ़ पा रहा है, और इसलिए बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है. तो ऐसे में आपको एडिशनल ट्यूशन बच्चे के लिए देना बहुत जरूरी है. उसको वन ऑन वन ट्यूशन इज क्रूशियल ईयर्स है ये. यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो ऐसी टाइम पे उसको वन ऑन वन ट्यूशन देना बहुत जरूरी है, भले ही ऑनलाइन ही सही. तो ई ट्यूटर फॉर मी में मैं पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरे बच्चे के लिए? हाँ हाँ, आप उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. थैंक यू. आप सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, आप जो कोर्स है, जैसे कि अगर उसको कुछ कुछ टॉपिक्स है जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि मुझे इन इन टॉपिक्स के ऊपर स्पेशली कोर्स बना के दो, तो आपके हिसाब से वो कोर्स भी बन जाएगा. आपको पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत राइट है, और उसका अलजेब्रा में सब कुछ सही है, लेकिन उसका ज्योमेट्री में दिक्कत हो रही है, तो खास करके सिर्फ ज्योमेट्री के लिए आपके लिए अलग कोर्स भी बन जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं. Can you provide the link of that your website? What you think? Yes, it is www.etutorforme.com. Thank you. Chats में है, आप copy कर सकते हैं. Okay. Thank you. Hello, ma'am. Yes. Yeah, ma'am. Actually, I have seen a problem of my niece. She actually doesn't like to attend the classes, or she actually doesn't like to attend the online classes of the schools, whatever online lectures were going on. So in that thing, what do you think? As you said that the group study is not good for her, or will the one-to-one learning will work yes. for her? यस यस सर्टनली, क्योंकि कुछ बच्चों को सुपरवाइज्ड लर्निंग की जरूरत होती है, यानी हर बार कोई ना कोई उनको मॉनिटर करे कि वेदर द किड इज लर्निंग और नॉट. लेकिन ग्रुप जो ऑनलाइन ग्रुप टीचिंग हो रहा है, उसमें मॉनिटरिंग नहीं होता है, उसको सुपरविजन नहीं हो रहा है कि कौन सा बच्चा सीख रहा है, कौन सा बच्चा अटेंड कर रहा है, कौन सा बच्चा सुन रहा है और कौन सा बच्चा नहीं सुन रहा है. लेकिन अगर आप वन ऑन वन में जाओगे, एक ही टीचर है, एक ही स्टूडेंट है, या तो फिर अगर दो तीन ही स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो उसको सुपरवाइज्ड लर्निंग हम बोल सकते हैं, और टीचर ध्यान दे सकता है, पूछ सकता है बच्चे को कि समझ में आ रहा है आपको या नहीं समझ में आ रहा है.
तो ये बेनिफिट पेरेंट्स को भी फीडबैक मिलेगा फ्रॉम द टीचर, बिकॉज वो जरूरी होगा कि पेरेंट्स को पता चले कि बच्चा उसमें भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है. यस यस यस, टाइम टू टाइम उसमें फीडबैक भी आप खुद ही पूछ सकते हो टीचर से. ओके, क्योंकि ऑनलाइन है, घर पे ही है, तो यू कैन ऑल्सो टॉक टू द टीचर. यू कैन टेल द टीचर कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है. आपका आप टीचर को उनका स्टाइल चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो. सो ऑनलाइन लर्निंग में टीचर्स, योर टीचर्स आर यूजिंग ऑल द वीडियोस, एनिमेशंस. यस, ऑल एनिमेशंस, वीडियोस, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारा कुछ इन्वॉल्व है ऑनलाइन लर्निंग में. ओके, क्योंकि तभी वो इंटरैक्टिव होगा. अगर सिर्फ बोल के पढ़ाया जाएगा तो ऑनलाइन लर्निंग में नहीं समझ में आएगा बच्चे को. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. ठीक है, नाउ यू कैन क्लोज प्रत्युष. एक्सक्यूज मी, आई जस्ट हैड वन मोर क्वेश्चन. यस यस प्लीज. यू सेड वी'ड बी एबल टू सिलेक्ट द tutor on a one-on-one basis, like for a particular subject. What would be the criteria that a parent will be able to select? I mean, how would I know which tutor is good for the type of learning that my child is looking for? So I'm a little curious on an aspect ke aap, yes aap sir, aap first teacher, let me complete. Yes. okay like you know, if I have to buy something online, I look at a grading, or I look at number of stars given. There is a rating system for the next thing. I want to understand, how are you going to help me to select the teacher? Yes, the first of all, I think ये जो tutors है ये verified है. यानी ये ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और इनका information upload किया गया है. इनका proper interview लिया गया, इनका demo लिया गया, और अगर हमें लगा है कि they are worth अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन, तभी उनको उनका इंफॉर्मेशन अपलोड किया. उसके बाद उनके डेमो लेक्चर्स वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं, तो आप उनके डेमो लेक्चर्स देख सकते हो. आपको लर्निंग टीचिंग स्टाइल एक आइडिया आ जाएगा उनका कैसा है. और कुछ कुछ टीचर जैसे मंथली है, कहीं कहीं क्लासेस में भेजते तो पूरा साल का पैसा आपसे ले लेते हैं. तो ये है मंथली, आप एक महीना मंथली आपको पे करना है. तो अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप चेंज भी कर सकते हो. और स्टार रेटिंग दिया गया हमारे डेमो, हमने जो डेमो लिए हैं उसके बेसिस पे टीचर्स को स्टार रेटिंग हमने दिया है हमारे असेसमेंट के अकॉर्डिंगली. ओके, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? So I declare it as the end of meeting, and thank you very much for attending and showing your interest towards this presentation and topic. Webinar. Thank you very much. Thank you all. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, ma'am.